तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आने वाले समय में गोवा पुलिस समेत अन्य विभाग में होगी कई भर्तियां, जिससे और मजबूत होगा गोवा पुलिस, पर्यटकों के क्षेत्र में सुविधा बढ़ेगी। पीएम ने कहा अलग अलग राज्यों में रोजगार सम्मेलन से भारत सरकार हजारों युवाओं को रोजगार दे रही है, डबल इंजन की सरकार है, वहां अपने सरकारें राज्य स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन कर रही हैं और रोजगार देने का काम किया जा रहा है। असम सरकार अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित की 400वीं जयंती आज मना रही है, दिल्ली में बड़े स्तर पर आयोजित हो रहा है कार्यक्रम, विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है लचित दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस आयोजन के पूर्ण सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विज्ञान भवन में अहोम वंश के महान योद्धा लचित की 400वीं जयंती पर 600 साल पुराने इतिहास पर प्रदर्शनी का आयोजन होगा। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बटोद में हुई जनसभा को संबोधित किया है, कहा पीएम आवास योजना के तहत लोगों को मिले 3 करोड़ से ज्यादा घर, वहीं गुजरात में लोगों को मिले 15 लाख मकान। जूनागढ़ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस पार्टी भारत को जोड़ने का काम कम और तोड़ने का काम ज्यादा करती है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी पहुंची पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की, कहा हम दोनों लंबी रेस के घोड़े। सीवी आनंद बने कोलकाता के नए राज्यपाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहे। सीवी आनंद के नए राज्यपाल बनने पर शुभेंदु अधिकारी ने बधाई दी है, कहा मुझे और बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत को शपथ समारोह के दरवाजे से ही लौटना वापस पड़ गया। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु ने टीएमसी पर उठाए सवाल, कहा शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के मंत्रियों के लिए इंतजाम हुए, फिर सुकांत को क्यों नहीं किया आमंत्रित। तिहाड़ से सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया, मेवा और सलाद खाते नजर आ रहे हैं मंत्री, बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। तिहाड़ जेल में केंद्र दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की सीसीटीवी फुटेज लीक होने का मामला, जेल अथॉरिटी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब, कल कोर्ट ने नोटिस किया था जारी, दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल होने पर बोले केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा 6 महीने से जेल में उठा रहे आनंद, सत्ता के आनंद के साथ भ्रष्टाचार करने के बाद भी जेल में उठा रहे आनंद। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा क्षेत्र का रोड शो किया। अलीगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाते हुए प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत हुई, डीएम ने कहा पीएम के सपने को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा। 12 जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है, कोरगांव से यात्रा शुरू हुई है, अगले 10 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा लोकतांत्रिक रास्ते बंद होने के कारण के चलते शुरू की गई है भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी की सरकार जानबूझकर फैलाती है डर, किसानों की मदद नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। श्रद्धा मर्डर केस में हत्यारे आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट का हो सकता है मेन सेशन, आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। 2 साल पहले लिखी थी श्रद्धा ने चिट्ठी जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है, आरोपी आफ्ताब जान से मारने की पहले भी धमकी देता था, पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई थी। मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के झटके, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के तुरा से 37 किलोमीटर पूर्व उत्तर में महसूस किए गए झटके रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजपुर खुर्ज में जनसंपर्क रैली निकाली है और लोगों से बातचीत की। नारनौंद के उगालन गांव में सरपंच पद का चुनाव रद्द हो गया, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, महिला सरपंच ने नामांकन रद्द होने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका। सोनीपत के टोंकी मनोली गांव में 11 वर्षीय बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, 20 लाख की फिरौती मांगने के बाद हत्यारोपी ने हत्या को अंजाम दिया है, फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। शिवानी मंडी में अवैध पटाखे नष्ट करते वक्त बड़ा हादसा हो गया, पटाखों में ब्लास्ट होने के चलते ट्रैक्टर के परकट छोड़ गए, एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस छात्रों का बड़ा ऐलान, आज से रोहतक पीजीआई में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे शुरू, पूरी मांग नहीं होने पर 48 घंटे बाद अल्टीमेटम और दिया जाएगा।